तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो मैं कहेंगे जो स्टॉक है ये हमको यहाँ पर लगातार यहाँ पर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज जो यहाँ पर स्टॉक है 1.771% की यहाँ पर एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ से हम अगर स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब स्टॉक हमारे पास 1724 का जो लेवल है, यहाँ से स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पर स्टॉक है 1649.46, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1518 तक के लेवल्स जो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में तेजी आती है तो यहाँ से तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1811 का पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पर स्टॉक है 1901, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2000 तक के लेवल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।